बिस्तर के नीचे लेटी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वह आवाज लगा सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए चुपचाप चली जाएगी और लगभग उसकी जान चली जाएगी। अभी वे दोनों दुश्मनों के बारे में बातें कर ही रहे थे कि जोर की आवाज आई। प्रेमी ने यह देखा और लकड़ी लेकर नीचे चला गया। लड़की को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नीचे पीड़ा की चीख पुकार मची हुई थी। लड़की घबरा गई और भागना चाहती थी, लेकिन खिड़की अटकी हुई थी। कैमरे में कुछ लोगों के समूह को हथियार लिए हुए ऊपर जाते हुए देखा गया। यह देखकर वह लड़की जमीन के नीचे छिप गई। दूसरा डाकू शेन नाम का डाकुओं का बॉस है। बातचीत के माध्यम से केली को पता चला कि उसके प्रेमी का परिवार नियंत्रित था, जिससे वह घबरा गई। जैसे ही केली सोच रही थी, डाकू कैलम ने एक कुर्सी ले ली और केली का बैग जमीन पर गिरा दिया। उसके पास बस एक फोन था। केली ने एक अवसर देखा। उसने बैग वापस खींचने की कोशिश की, जबकि उसकी नज़र बगल में बैठे लुटेरे पर थी। लेकिन छड़ी के इस्तेमाल से शोर बहुत तेज हो गया। वह केवल बेत ही नीचे रख सकती थी। फिर तेजी से हाथ बढ़ाकर बैग पकड़ ले ताकि आवाज न हो। केली को सफलतापूर्वक बैग मिल गया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। इससे केली बेहद निराश हो गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। सुबह तक समय बहुत तेजी से बीत गया। प्लान के मुताबिक मार्क के पिता लुटेरों को बैंक ले जाएंगे। कार की आवाज से केली भी जाग गई। खांसी सुनकर उसे लगा कि डाकू जा चुके हैं। बिस्तर पर केवल शेन घायल अवस्था में बचा था, इसलिए उसने बिस्तर से रेंगने की कोशिश की। वह डरी हुई थी क्योंकि कैलम यहीं रुका था, और कैलम और शेन की बातचीत ने सीधे तौर पर केली को डरा दिया। पता चला कि उन्होंने पैसे लेने के बाद इस घर को जलाने की योजना बनाई थी, क्योंकि यहां शेन का खून था। इससे आपकी योजनाएं गड़बड़ा जाएंगी। वह उनके जाने तक यहीं छिपने का इरादा रखती थी, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती। केली ने मन में एक योजना लेकर अपनी अलार्म घड़ी की ओर देखा। उसने एक मिनट के लिए अलार्म घड़ी सेट की, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया। इसके बाद इसे एक कोने में फेंक दें। जब समय आया तो घड़ी ने उन दोनों का ध्यान खींचा। केली जल्दी से बिस्तर के नीचे से बाहर भागी। कमरे से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद वह धीरे से नीचे चली गई। जब वह बाहर भागने को हुई तो बाहर ऐसा लगा कि कोई अजनबी आया है। तो केली केवल ऊपर ही दौड़ सकती है, लेकिन उसने अपने प्रेमी की माँ और उसके प्रेमी को एक दूसरे से बंधे हुए पाया। जब वह अपने प्रेमी को बंधन खोलने में मदद करने वाली थी तो नीचे से आवाज आई। डरी हुई केली केवल मार्क का छज्जा ही ढक सकी। यह आवाज पहले वाले आदमी की है। इस आंदोलन ने कैलम का ध्यान खींचा। वह एक कोने में छिप गया और उस आदमी को देखता रहा। जाहिर तौर पर वह इस व्यक्ति को नहीं जानता। केली घबरा गई और छिपने के लिए बाथरूम में भाग गई। बहुत जल्द ही उस अजीब आदमी को पता चला कि मार्क बंधा हुआ था। कैलम ने भी उस अजीब आदमी का पीछा किया, लेकिन उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना कैलम ने उसे नीचे गिरा दिया, फिर बार बार पीट पीट कर मार डाला। ये नज़ारा केली ने देखा। वह तुरंत डर गई। उसने तुरंत छिपने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन लगता है खिड़की बंद है। लेकिन कैलम के शरीर पर खून लग गया तो वह बाथरूम चला गया। केली इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन वह आवाज निकालना भी बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि हत्यारा बाहर खड़ा है। जब वह गिर गई तो कैलम शौचालय से बाहर चली गई। कदमों की आहट सुनकर केली ने आह भरी, लेकिन जब वह भागने के लिए खिड़की खोलने वाली थी तो वह झिझक गई। उसने अपने हाथ में कैंची देखी और निर्णय लिया। कैलम के कमरे में जाकर सीधे उस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन कैलम गंभीर रूप से घायल नहीं हुई, बल्कि उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसका गला घोंटने के इरादे से उसे जबरदस्ती एक कोने में ले गए। केली ने अपने पैर से उसकी कमर पर लात मारी, फिर उस पर फिर से वार किया। केली जल्दी से कैलम से बच निकली और छत से कूदकर बेडरूम में भाग गई। फिर दरवाजा बंद करने के लिए लकड़ी के टोकरे का उपयोग करें। अब केली निराशा में पड़ गई है। न केवल उसे डाकू द्वारा खोजा गया, बल्कि उसे बंद भी कर दिया गया। वह गुस्से से चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और कैलम को नहीं पता था कि सीढ़ी कहाँ मिलेगी, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करना शुरू कर दिया। केली ने ड्रिल की आवाज सुनी, लेकिन वह अब बहुत शांत थी। कुछ ही समय में कैलम ने सफलतापूर्वक टोकरा उतार दिया। उसके अटारी पर चढ़ने की प्रतीक्षा करते हुए उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं था। जब वह सामने की वस्तु की ओर आकर्षित हुआ तो केली ने दरवाजे को बंद करने के लिए लोहे का उपयोग करके चुपचाप नीचे छलांग लगा दी। फिर जल्दी से कमरे से बाहर भागी, प्रेमी और प्रेमी की माँ को बचाएं। लेकिन अप्रत्याशित बात यह थी कि शेन दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि शेन ने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसे इसका अफसोस है। पता चला कि मेरे पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। शेन ने केली के लिए उसे जाने देना मुश्किल नहीं बनाया, लेकिन मार्क और उसकी माँ, क्योंकि वे बहुत तेज भागे थे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, रेज और स्वेरा ने उन्हें पकड़ लिया। सौभाग्य से वह धीमी दौड़ती है। उसने खुद को एक तरफ छुपा लिया।
और रेट और स्वेरा को भी उसके अस्तित्व के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए उसे ढूंढने का फैसला किया। केली दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में वापस भाग गई। खोजने और दोबारा देखने पर मुझे खिड़की की चाबी भी मिल गई। इसी समय बाहर से कदमों की आवाज आई, यह रेज था। सौभाग्य से केली तुरंत खिड़की के बाहर छिप गई। वह मदद मांगने के लिए छत पर जाने वाली थी, लेकिन उसे एक और डाकू मिला। केली केवल मूल कोने पर ही वापस जा सकती है, और कैलम को उसके साथियों ने रिहा कर दिया। अब वह बहुत गुस्से में है। कैलम उसे ढूंढने और उसके पूरे परिवार को मारने के लिए कृतसंकल्प है। यह सुनकर केली शांत नहीं हो सकी। जब वे दोनों डाकू चले गए तो उसने कार्रवाई की, और रेज शेन को बाहर ले जाने के बाद कमरे को जलाने के लिए लौट आया। लेकिन रेज को क्या पता नहीं था, केली पहले से ही तैयार थी। उसने अपने बैग से एक छोटा सा तीर निकाला, फिर एक क्रॉसबो खोजने के लिए अटारी तक पंक्तिबद्ध हुए, जो डाकुओं पर हमला करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए तैयार था। जब रेज आग की तैयारी के लिए कमरे में दाखिल हुआ, तब तक केली पहले से ही उस पर निशाना साध रही थी। लेकिन अप्रत्याशित बात यह है कि रेज के मरने से पहले उसने आग जलाई, कमरा तुरंत जल गया। रेज की छाती से तीर खींचते हुए केली तेजी से नीचे की ओर भागी। फिर उसने ये बात तोड़ दी। विस्फोट से बचने के लिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की से बाहर कूद गई। वह दूसरे डाकू के सामने जा पहुंची। उसने तुरंत तीर चला दिया। उसे गोली चलाने से रोकने के लिए केली उसे पूल में धकेलने के लिए दौड़ती है। शरीर पर गंभीर चोटों के कारण डाकू पानी में था और तुरंत उसका दम घुट गया। केली ने प्रतिद्वंद्वी की बंदूक ले ली और फिर डाकू का मुखौटा पहन लिया। अब केवल कैलम ही रह गया था। अज्ञात खतरा आ रहा था। जब वह जांच करने के लिए जाने वाला था, केली उस पर बंदूक ताने हुए पीछे खड़ी थी। कैलम पर हमला किया गया और वह तुरंत कमरे में भाग गया। केली ने तुरंत कैलम को कोने में जाने के लिए मजबूर किया। यह देखकर कि शेन गंभीर रूप से घायल हो गया, कैलम भी जमीन पर बैठ गया। इस समय मार्क के पिता आते हैं, लेकिन अप्रत्याशित यह है। पता चला कि वे सभी एक टीम हैं। मार्क के पिता एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। उसने धन का खजांची बनने के लिए लुटेरों के साथ सहयोग किया। केली अब निराशा में जमीन पर पड़ी हुई थी। कैलम ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान रखी थी। शेन के रूप में कैलम को मारने के लिए उसके पास अभी भी आखिरी ताकत बची थी। शायद यही उसका मोक्ष है। केली बंदूक लेकर खड़ा हुआ और उसे मार्क के पिता डॉग की ओर तान दिया। उसने अभी तक बंदूक नहीं चलाई थी। मार्क की माँ लिन ने बंदूक निकाल ली। वह ज्यादा कुछ नहीं बोली, सीधे गोली मारकर हत्या कर दी। यह कथित बंधन समाप्त हो गया था, लेकिन केली ने अभी भी अपनी बंदूक नहीं छोड़ी थी। वह अपने प्रेमी पर भरोसा कर सकती है, लेकिन निश्चित नहीं। फिल्म के अंत में यह पैसा वापस नहीं मिलता, बल्कि तीनों लोग इसे बांट लेते हैं। फिर घर जला दो और झूठे सबूत बनाते हुए चले जाओ कि लुटेरों ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक अच्छी फिल्म कही जा सकती है। पसंद आने पर हर कोई इसे देख सकता है। ठीक है, आप लोगों से अगली फिल्म में मिलते हैं।